इसराइल हमास युद्ध को शुरू हुए करीब 8 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन गाजा के भीतर अभी तक हमास का खात्मा नहीं हुआ है, बल्कि अब राफा में हमास की सैन्य शाखा अल कासिम ब्रिगेड और अन्य छोटे बड़े प्रतिरोधी समूह इजरायली सेना पर पूरी ताकत से हमला कर रहे हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि IDF पर हमला करने के लिए आए दिन नए नए हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक ओर जहां गाजा के भीतर खंडरों में सन्नाटा पसरा हुआ है और गाजा की IDF ने चारों तरफ से घेराबंदी कर रखी है, ऐसे में हमास के पास नए नए हथियार आ कहां से रहे हैं? और अब इसी क्रम में हमास ने अपनी ताकत को दिखाते हुए एक और नए हथियार से हमला किया है। दरअसल राफा में IDF के घुसने के बाद से लेकर अभी तक पहली बार अल कासिम ब्रिगेड ने इजरायली सेना के ऊपर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी ATGM से हमला किया है। बड़ी बात यह है कि इससे पहले शायद ही हमास ने IDF पर किसी ATGM हथियार से हमला किया हो। और इस हमले को लेकर अल कासिम ब्रिगेड का कहना है कि उसके लड़ाकों ने दक्षिणी गाजा के तलजराब में IDF के एक सैन्य वाहन पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागी है, और जैसे ही ये मिसाइल IDF के वाहन पर लगी वैसे ही उसमें आग लग गई। आपको बता दें कि IDF के जिस मिलिट्री व्हीकल पर यह हमला हुआ है उसे ओफेक आर्मर्ड पर्सनल कैरियर यानी APC कहा जाता है। अल कासिम का कहना है कि इजरायली सेना इस वाहन का मुख्य रूप से इस्तेमाल कमांड और कंट्रोल बैटलफील्ड यूनिट के लिए करती है, हालांकि इसका मुख्य इस्तेमाल ऑन फील्ड हॉस्पिटल्स के लिए भी किया जाता है। अल कासिम का ये भी कहना है कि जब इस वाहन पर हमला हुआ तब IDF रेस्क्यू फोर्स इलाके में तुरंत तैनात हुई थी, लेकिन अल कासिम के लड़ाकों ने रेस्क्यू टीम पर भी रजोम 144 mm रॉकेट से हमला कर दिया, जिसमें IDF को भारी नुकसान हुआ है। और इस हमले के अलावा नेटजरी मैक्सिस में भी अल कासिम के लड़ाकों ने IDF के ऊपर भारी गोला बारूद दागा है। यहाँ पर अल कासिम की मोर्टार यूनिट ने अल कुद्स के साथ मिलकर IDF के ऊपर मोर्टार गोलों के साथ एक जत्था फायर कर दिया। इसके अलावा तेल अल सुल्तान में भी दोनों ने मिलकर इजरायली सेना के ऊपर हमला किया। वहीं नेटजरी मैक्सिस में अल कुद्स ब्रिगेड ने IDF के ऊपर कई राउंड हमले किए हैं। इसके अलावा किसुफिम मिलिट्री साइट पर तो अलक्सा ब्रिगेड ने IDF पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए।